हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है. सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द हिंदू सेशन. लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड. ठीक है, तो अब देख रहा हूँ बच्चे जुड़ चुके हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. ठीक है, सबका बहुत स्वागत है सेशन में. सो दैट एवरीबडी कम इन. आप सब आ ही रहे हैं धीरे धीरे. अमृतपाल, सतीश, ललित, सोनू, दीपक, आशीष, नवीन, रेणु शर्मा, सौरभ, पब्लिक आई डी तितिक्षा, कैसी हो? मनीष, सौरभ, नवीन, रेणु, ठीक है, ओके. मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. निशा, कैसे हो आप? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है, सो सबको आ जाने दीजिए. और बताइए क्या हाल चाल है भाई, क्या चल रहा है? कोरोना से फाइट कैसी चल रही है घर वगैरह पर? घर के अंदर ही हो ना, बाहर घूमने की कोशिश मत करना ज़्यादा. ठीक है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है. स्टे होम, स्टे सेफ. ठीक है, आपको पता ही है वो गोल्डन रूल. ठीक है, सारे मीडिया चैनल्स इसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन. हाउ आर यू गाइस, वेलकम टू दी सेशन. ठीक है, आप सबका सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. ठीक है, ओके. तो द हिंदू की क्लासेस के अंदर एवरीवन इज़ वेलकम. कल से आपको पता ही है, कल से ऑपरेशन सीडीएस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है. जो सीडीएस का कोर्स था आपका, ऑपरेशन सीडीएस इज स्टार्टिंग टुमारो, जिसके अंदर जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं दे वुड बी जॉइनिंग दैट कोर्स. ठीक है, वो कोर्स आपका कल से 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, ऑपरेशन सीडीएस का कोर्स. ठीक है, उसके स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन लेक्चर्स वगैरह भी हैं. ठीक है, तो अभी हम द हिंदू की डिकोडेड सीरीज कर रहे हैं. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम है संजय कुमार सिंह. आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो. आई एम दी एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड आईएमसी न्यू दिल्ली. क्लियर यूपीएससी सीडीएस एंड एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एमएचए और डिफेंस जर्नलिज्म कर चुका हूँ. और अनअकैडमी पे आई एम दी ओल्डेस्ट एजुकेटर, एक्सपर्ट इन जनरल स्टडीज, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन विद फोकस ऑन पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस. काफ़ी सारे मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता दूंगा. जो बच्चे खासकर एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका सीडीएस का कोर्स कल स्टार्ट होने वाला है, ये मेरी जर्नी है. अलग अलग लोगों के साथ आप मेरी फोटोग्राफ्स दे सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सागा ऑफ एसएसबी. ये कोर्स आपका 15 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है. नीचे भी इसकी डेट दी हुई है, जिसके अंदर आपका जीटीओ का सेक्शन और साइक का सेक्शन, ठीक है, और आईओ का सेक्शन है जो पढ़ाया जाएगा. ठीक है, द सागा ऑफ द एसएसबी, द वॉरियर्स जर्नी. इसके जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूं अभी. ठीक है, ओके, इसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं. सो दीज आर द सम ऑफ द टॉपिक्स जो आप देख सकते हो. ठीक है, इसमें डिस्कशन भी रहेंगे. डिस्कशंस कहने का मतलब है जहां पर मैं आप लोगों के PIQs हैं या फिर आप लोगों के जो SDTs है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, या टैट की स्टोरीज है, उनको भी केटर करूंगा. ठीक है, सो वील बी डूइंग अ हेल्दी डिस्कशन सो दैट इट इज बेनिफिशियल फ्रॉम द बोथ द साइड्स. और यहाँ पर नो इंजीनियर्ड अप्रोच, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बनी बनाई स्टोरीज दूंगा
जो जाकर आप एग्जाम में लिख दीजिए या एसएसबी में कर दीजिए, बिकॉज द डे यू स्टार्ट डूइंग इट उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस गिर जाते हैं, बिकॉज जब आप कॉपी पेस्ट करके चीज़ें करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो वॉट इज चक्रव्यूह, चक्रव्यूह नीति, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए जो डिस्कशन है, डिस्कशन के अंदर मैं आप बच्चों के ही PIQs को या SDTs, जिसमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, आप अपना डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ इसमें कराई जाएंगी। PIQs और OLQs वाला जो चैप्टर है आपका, PPDT, बल्कि OLQs तो हम सब में ही होते हैं, बट इट इज़ बेसिकली समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सी दैट वी आर हैविंग इट और नॉट। और जो 15 OLQ का इतना झोल कोचिंग सेंटर्स ने बना रखा है, और 15 OLQ के वर्ड्स को ज़बरदस्ती यूज़ करके आप अपने टैट की स्टोरीज में घुसाने की कोशिश करते हो, सब की बात करेंगे। कहानी और विवाद आपका PPDT है, पहली कहानी से अंतिम कहानी तक ये आपकी टैट की क्लासेस हैं, ठीक है। टैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, उस पिक्चर के अंदर कुछ हो रहा होता है और उसके ऊपर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें 12 फोटोज आपको दिखाई जाती है। जो 12th स्टोरी होती है वो आपकी बेसिकली ब्लैंक स्टोरी होती है, ठीक है। फिर वर्ड वैट, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। और ये जो मैंने इनके हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, जो इनके साइड में जैसे कॉन्शियस माइंड लिखा है, क्योंकि कॉन्शियस आंसर्स करते हो आप, ठीक है, करेक्ट आंसर करने की कोशिश करते हो आप SRT में, तो द नेम विच इज बीन गिवन टू इट इज हैज बीन थॉट एंड दैट इज वाई दैट नेम इज बेसिकली केप्ट, ठीक है। ओके, दैट इज वाई दैट नेम हैज बेसिकली बीन केप्ट। तो बाकी सारे आप देख सकते हैं GTO, एवरी सेशन वुड बी देयर, ठीक है। उसके अलावा ये आपके GTO की क्लासेस हो गई, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कोर्स आपका सबसे इंपॉर्टेंटली कल स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेशन CDS 2020 कंप्लीट CDS प्रिपरेशन विद द हिंदू एनालिसिस, ये आपका 3 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप इसके अंदर एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सब्सक्राइब के लिए रेफरल कोड यूज करना है तो यूज करिए SANJAYTWO, Sanjay2, Sanjay2 इज द रेफरल कोड विच यू गाइज नीड टू यूज। इस कोर्स के अंदर क्या होगा, इस कोर्स के अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो जो अभी आप हिंदू एनालिसिस देखने वाले हो, ये इस कोर्स में हर दिन होगा, ठीक है, ये इस कोर्स में हर दिन होगा द हिंदू एनालिसिस, क्योंकि ये जो आज आप सेशन देख रहे हो ये आज यूट्यूब पे हो रहा है, उसके बाद देन दिस सेशन वुड बी टेकिंग प्लेस इन दी द थर्ड जो आपकी ये जो कल से क्लासेस होने वाली है। तो सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश, दिव्या मैम पॉलिटी, प्रतीक दलाल मैथ्स, श्री प्रतीक सर हिस्ट्री, साहिल राणा साइंस, हिमांशु खुशवा इकोनॉमिक्स, राकेश नेगी सर ज्योग्राफी और शब्दा जी करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। इन सबके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। दीज पीपल हैव क्रैक द एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स, तो दिस वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू स्टडिंग फ्रॉम अस, जिन्होंने एग्जाम को निकाला भी और हम में से काफ़ी सारे लोग सर्व भी करके आए हैं। सो दिस इज वन थिंग विच यू गाइस कैन डेफिनेटली टेक एडमिशन, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ऑफरिंग इन द कोर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वीकली क्विज, अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका CAPF का कोर्स भी चल रहा है, आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे ऑटोमेटिकली बाकी सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका Sanjay2 रेफरल कोड है फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है। और उसके बाद ये CAPF का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर आपके प्रशांत जगताप सर और दिव्या गुप्ता मैम पढ़ा रही है, और इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ। इस कोर्स में मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रशांत जगताप सर आपकी पेपर टू देख रहे हैं, और दिव्या गुप्ता मैम आपकी पॉलिटी देख रही है, सिद्धांत सर आपका इंग्लिश देख रहे हैं, विशाल जी आपका करंट अफेयर देख रहे हैं, संदीप सर आपका मैथमेटिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका CAPF का ऑलरेडी गोइंग कोर्स है, तो अगर आप CAPF की तैयारी करना चाहते हैं इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और पुरानी क्लासेस के आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा 1312, और यहां पर आप अपना रेफरल कोड डालिए मेरा Sanjay2, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज वेरी गुड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो रेफरल कोड है Sanjay2 फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो आप इस कोड को डालिए, इससे आपको क्या फायदा होगा, इस कोड को डालने से इसको आप ही को डिस्काउंट होगा। ये जो 8,000 रुपये का कोर्स है ये आपको 7,200 रुपये का पड़ेगा। उसके ऊपर अगर आपके पास Unacademy क्रेडिट से अगर आपने इस ऐप लर्नर से आपको यूज करा है तो वहां से भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी कहानी जी आपके जो नए कोर्सेज आने वाले हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इस टाइप के इंटरव्यूज जो चैनल अभी आप देख रहे हो Unacademy शौर्य चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डिफेंस CAPF AFCAT NDA इनसे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिलती रहे और वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। दीज आर सर्टेन वीडियोज विच आई हैव डन, ठीक है।
तो उसके बाद आज आते हैं हम 2 अप्रैल की न्यूज़ पर। अब आपने देखी देखा ही होगा कि लास्ट 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है, जो आपकी तबलीगी मरकज है और उसके बाद जो जमात है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना हैज मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हुए हैं, करीबन 350+ केसेस का लाए हैं। तो अभी जो मैं लास्ट नंबर देख रहा था, कुछ अराउंड भारत के अंदर कोरोना के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं या करीबन 1950 मतलब 1950 है, 1970 के आसपास है, और मुझे लगता है कि शायद कल सुबह तक 2000 का आंकड़ा हम क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, बाकी स्टेट्स की भी बात करेंगे, मतलब आई मीन टू से बाकी कंट्रीज़ की भी बात करेंगे। कोरोना एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिसको हमें डिस्कस हर दिन ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80% ऑफ योर न्यूज़पेपर, 80% से ज़्यादा, 80 क्या रादर मुझे 95% बोलना चाहिए, आपका न्यूज़पेपर आजकल कोरोना पर ही फोकस्ड है, उसी से सारी रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। करीबन हिंदू जो आपका वो 20-21 पेजेस का जनरली रहता है, बट अब वो रिड्यूस होके 14 पेजेस का हो गया है, और हम सबको पता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव शट डाउन और इकॉनमी वगैरह की जो मेजर न्यूज़ अलग अलग जगहों से आती थी वो सारी ही रुकी हुई है अभी आपकी। ठीक है, ओके तो सेंटर डिफाइंस जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रूल्स, इंडिया सीज अ शार्प स्पाइक इन द इन्फेक्शन, एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल्ड एट 14 लार्ज प्रोजेक्ट साइट्स इन द कैपिटल। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को काफी टाइम से बोला हुआ था। बियॉन्ड द ब्लेम गेम एडिटोरियल पढ़ेंगे, DRDO टू मेक 5 लेयर्ड मास्क, इसरो ने N99 मास्क की बात करी है, इंडस्ट्री आई इज मैन्युफैक्चर 50,000 वेंटिलेटर्स इन अ मंथ एंड वर्ल्ड कुड फेस अ फूड क्राइसिस। ये बड़ी ही खराब सिचुएशन हो जाएगी अगर फूड क्राइसिस हो जाए हमारी कंट्री के अंदर। ऑलरेडी अगर आप देखें कि कोरोना क्राइसिस तो चल ही रहा है, तो अगर दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस, बिकॉज जो होर्डिंग हो रही है और जो इंडस्ट्री रुक गई है, फूड प्रोडक्शन की इंडस्ट्री रुक गई है, और जिनके पास भी पैसा वगैरह है उन्होंने होर्डिंग कर लिया, तो आपके जो गरीब लोग हैं वो भुखमरी के कारण भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो पहले हमने देखा था कि ड्रॉट आता था, तो ड्रॉट के बाद फैमिन होता था कि भाई भाई सूखा पड़ गया तो फिर आपकी भुखमरी आ गई। ठीक है, बट इस बार ऐसा होगा कि एक वायरस आया कोरोना और उसकी वजह से फैमिन आया इस टाइप का, यू नो विच इज़ बेसिकली जो ये आपका जितने लोग आपके कोरोना से मरे उससे ज़्यादा पता चला आपके इस फैमिन या इस भुखमरी के कारण मर गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइसिस विच इज राइजिंग, आई होप दैट इसके ऊपर सरकारें कुछ करेंगी। ठीक है, तो तबलीग जमात हाउ थिंग्स अनफोल्डेड, ठीक है, आपकी जो तबलीग जमात है हाउ थिंग्स अनफोल्डेड, इसकी मैंने क्रोनोलॉजी बना के डालिए कि अगर आप इस इवेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इस इवेंट, ये इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका जो बना है, ये आपका बना है SS, सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं उनको, या हम उनको हॉटस्पॉट सेंटर बोल रहे हैं, वो सेंटर जहां से जैसे इस सेंटर से जितने लोग निकले उन्होंने काफ़ी जगह जाकर कोरोना फैलाया। और आपने देखा होगा लास्ट 2-3 दिन मतलब लास्ट 4-5 दिन के अंदर ही जो हमारी 1000 से 2000 की ग्रोथ हुई है वो बहुत क्विक हुई है, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में। सोचिए अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो अभी हम 6000 या 7000 के नंबर पे बैठे होते, अगर लॉकडाउन लगा है तब हम 2000 पर हैं, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो ये 2000 का नंबर क्रॉस होकर पता नहीं हम कहाँ, आई थिंक प्रॉब्ली 6-7000 तो आराम से हम भी वही UK और इटली की राह पर होते, राइट। गुड इवनिंग सर, CDS SSB की क्लास कब होती है? CDS और SSB की क्लासेस, CDS की क्लासेस कल से शुरू हो रही है दुष्यंत, ठीक है, कल से शुरू हो जाएंगी सुबह 10 बजे, उसकी कल पहली क्लास है मेरी और पूरे दिन चलेंगी, और जो SSB की क्लासेस है वो आपकी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है मेरी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तबलीग जमात अल अलामी मरकज, ठीक है, तो यहाँ पर मस्जिद ओवर 3400, गैदरिंग ऑफ ओवर 50 पीपल बैंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ CM अरविंद केजरीवाल टिल मार्च 31 के ऑलरेडी ऑर्डर्स थे, बट यहाँ पर कितने 3000-4000 लोग आ गए। ठीक है, तो मार्च 20 10 फॉरन अटेंडीज ऑफ तबलीगी जमात टेस्ट पॉजिटिव है तेलंगाना, गैदरिंग एट मरकज कंटिन्यूज, मार्च 22 को लॉकडाउन लग जाता है, मार्च 15 ऑफ दोज अटेंडिंग लीव मरकज, PM अनाउंसेस नेशन वाइड लॉकडाउन। तो बेचारे इनमें से कुछ तो ऐसे जो सही में निकल गए थे अपने घर के लिए बट वो लॉकडाउन में अटक गए, बट जो आज हमने विजुअल्स देखे जहां पर हमने हमारे डॉक्टर्स गए और हमारे पुलिस के कर्मचारी गए और नर्सेस गई और वहां पर जैसे इंदौर वगैरह के जो वीडियोस आ रहे हैं आपकी न्यूज़ चैनल्स पर जो उनको मारा जा रहा है कि आप यहां पे टेस्टिंग के लिए आते, तो वो दृश्य देखने लायक नहीं है, दैट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द नेशन, खासकर इस वक्त जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं। तो
अभी साउथ एशिया के एक मौलाना साहब ही इंडिया टुडे पर कह रहे थे कि इस टाइप की हरकतें अच्छी नहीं है, क्योंकि खासकर अभी आपके जो फ्रंट एंड वॉरियर्स हैं वो आपके कौन है, आपके फ्रंट एंड वॉरियर्स, आपके फ्रंट एंड वॉरियर्स यही हैं जो अभी आपके ज़मीनी तौर पर लड़ने जा रहे हैं, आपके जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, बिकॉज टू फाइट दिस पैंडमिक दीज आर द पीपल जो आपके फ्रंट एंड वॉरियर्स हैं। जैसे जंग होती है तो आप जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप फौज में जाकर अफसर बनेंगे तो आप फ्रंट पे होंगे। इस वक्त जो कोरोना की जंग है उसमें ये लोग आगे होंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर उनको ऐसे मारा पीटा नहीं जाना चाहिए, उनको ऐसे परेशान नहीं करा जाना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज करंटली बीइंग हैपनिंग। तो ये तो आपने देखा होगा, आप लोगों के लिए डाल दिया है मैंने ये, ठीक है। और अगर आप देखेंगे डेडली पैंडमिक्स, सो एक और पिक्चर है ये, COVID-19 हैज स्प्रेड टू नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस इट्स फर्स्ट इमर्ज इन चाइना 3 months अगो, ड्रॉइंग सम ऑफ द हिस्ट्रीज डेडली पैंडमिक्स, कि इससे पहले इतिहास के अंदर जैसे चाहे प्लेग की बीमारी हो या अलग अलग बीमारियां जो हुई है उनसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसको, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन पैंडमिक्स फ्रॉम 1900 टू 2020, कि 1900 से लेकर 2020 तक कितने लोग इसमें मरे हैं। तो देखिए 1918 टू 19 में स्पैनिश फ्लू आया था, H1N1 वायरस, एटलीस्ट 50 मिलियन डेथ्स, अबाउट 500 मिलियन पीपल वर इन्फेक्टेड, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। अब आप बोलेंगे उस टाइम पर इसलिए भी ज्यादा इफेक्ट करा क्योंकि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस नहीं करी थी, देयर वाज नॉट सो मच डेवलपमेंट इन द मेडिसिन, जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी मेडिकल इक्विपमेंट्स में चेंजेस आए हैं, जितनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, जितनी साइंसेज में चेंजेस आए, ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। उसके बाद 1957-58 में एशियन फ्लू आया, H2N2 वायरस, 1.1 मिलियन पीपल, ठीक है, ओके। 1869 में हांगकांग फ्लू H3N2 1 मिलियन, 2010 में स्वाइन फ्लू आया H1N1 575,000, ठीक है। COVID-19 ओवर 43,000 एज ऑफ April 1st ओवर, तो देखिए 43,000 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड दिस नंबर इज बेसिकली इंक्रीजिंग ओनली, ये तो 1st April तक का, और करीबन 874,000 आपके अफेक्टेड है। अभी इस न्यूज के बाद हम वो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल करंट स्टेटस क्या है कोरोना का, कि वर्ल्ड के एग्जैक्ट नंबर क्या है। जब मैंने सेशन आपका 6 बजे की क्लास थी तो मैं आपको 5:55 या 56 मिनट का भी डेटा आपको मिल जाएगा जो करंट स्टेटस है, क्योंकि ये जो न्यूज में रिपोर्ट आई है तो बेसिकली आज सुबह छपी है तो कल तक की रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो वायरस रिप्रोडक्टिव नंबर, एवरेज नंबर ऑफ इन्फेक्शन जनरेटेड बाय ईच इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि भाई मैच द फॉलोइंग, स्पैनिश फ्लू आपका कब आया था, एशियन फ्लू कब आया था, हांगकांग फ्लू कब आया था, स्वाइन फ्लू कब आया था। कोरोना तो आप लोगों को याद ही रहेगा, और ध्यान में रखिए कोरोना 2020 नहीं है, ज्यादातर हमें यह लगता है कि कोरोना 2020 में आया, कोरोना 2020 में नहीं, कोरोना 2019 में ही आया है, ठीक है। चाइना ने रिपोर्टिंग में उसकी इतनी डेट लगाई है, बेसिकली द केसेस स्टार्टेड इन नवंबर ओनली, बट चाइना रिपोर्टेड दैट बेसिकली बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, ठीक है। उसके बाद भी उसने जनवरी फरवरी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नहीं रोका, जिसकी वजह से कोरोना ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका है। तो ये आप देखिए, इनको ध्यान में रखना है, स्पैनिश फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनकी मैच दी फॉलोइंग आ सकती है, ईयर्स के साथ आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना होगा कौन सा किसका है, ठीक है। अब इसको क्या है, एवरेज वायरस रिप्रोडक्टिव नंबर, जिसको आपने अगर आपने कंटेजियन मूवी अगर देखी, उसमें एक टर्म यूज करा गया है आर नॉट की, एक बंदा कितने बंदों को इफेक्ट करेगा, तो जो इंडिया का रिप्रोडक्टिव नंबर है वो रिलेटिवली कम है, हमारा अराउंड 1.8 है। जो अभी मैं न्यूज देख रहा था, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और ज्यादातर चैनल्स में आ रही है कि जो वर्ल्ड ओवर एवरेज है दैट इज अराउंड 2.2, बट जो इंडिया का नंबर है वो 1.8 है, अभी के लिए तो काफी अच्छा है। तो दुनिया में 2.2 या 2.3 की एवरेज चल रही है, इंडिया में 1.8 की एवरेज चल रही है, ठीक है। यानी कि अगर आपके 100 लोग होंगे तो वो अराउंड 181 को और इफेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ओके। सो हमारे यहां पर एक बंदा 1.8 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो COVID-19 स्पैनिश फ्लू, अगर आप देखेंगे COVID-19 का 2.2 है, स्पैनिश फ्लू का 1.8 था, एशियन फ्लू का 1.6 था, स्वाइन फ्लू का 1.5 था, सीजनल फ्लू का 1.3 था। तो COVID-19 इज वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है कि एक बंदा 2.2 लोगों को, अब यहाँ पे 0.2 कहने का मतलब ये नहीं किसी बंदे का सिर्फ 0.2 पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू कैलकुलेट अ नंबर, 2.2 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो US प्रेसिडेंट ट्रंप वॉर्न्ड अमेरिका ऑफ द हेल ऑफ अ बैड 2 वीक्स एज डेबरा बर्ग्स द व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर ऑन COVID-19 प्रोजेक्टेड
1,00,000 to 2,40,000 deaths in the US. तो आप ये देखिए, अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी आई थी कि अगर सिर्फ 1,00,000 डेथ्स हुई US के अंदर तो ये US के लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रहेगी अगर वो 1,00,000 पे रोक कर आए। हालांकि इस कमेंट के ऊपर काफ़ी बवाल मचा कि वो इसको अचीवमेंट कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पैनिश फ्लू वॉज द मोस्ट सिफेयर पेंडेमिक, इट वॉज ऑल्सो कॉज्ड बाई दी H1N1 वायरस विद जीन्स ऑफ एवियन ऑरिजन एंड क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 50 मिलियन पीपल फ्रॉम 1918 टू 1919। तो वो तो भाई 1918-19 था, तब इतनी तरक्की नहीं हुई थी। अब तो भारत की छोड़िए, आपकी जो विदेशी ताकतें उन्होंने तरक्की कर ली है, बट जितनी भी आपकी मेडिकल साइंसेज है करंटली दे आर फेलिंग इन फ्रंट ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, तो दैट इज करंटली बीन हैपनिंग। ओके, उसके बाद ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन कंटिन्यू टू बेयर द ब्रंट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक विद कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू केसेस रिकॉर्डेड इन द पास्ट वीक। US इज ऑल्सो विटनेसिंग, वही US की एक्सपोनेंशियल राइज है जिसको मैं आपको नंबर्स के थ्रू अगर आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये देखिए US की कितनी राइज है, इटली, स्पेन, फ्रांस, UK। तो इटली रिकॉर्डेड 919 डेथ्स इन अ सिंगल डे, हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री ऑन March 26th, 919 डेथ्स एक दिन के अंदर। ठीक है, देर वॉज अ मैसिव सिंगल डे जंप इन 895 इन US। बोथ स्पेन एंड इटली हैव कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड मोर देन 700 डेथ्स एवरी डे ओवर द पास्ट वीक। ठीक है, तो स्पेन और इटली के अंदर लास्ट एक हफ्ते में पर डे 700 डेथ्स हुई हैं। तो इन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपकी जो विकसित देश है, उनका बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, एंड आई होप दैट आर कंट्री डज नॉट एंटर दिस फेज। ओके, तो अगर आप देखेंगे ये आपका जो डेटा दे रहा हूँ, ये मैं आपको 5:55 आज का डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, कोरोना वायरस से अफेक्टेड व्यू है 9,54,468 एंड आई एम वेरी श्योर ये कल तक 10,00,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है, डेथ आपकी 48,558 और रिकवर्ड आपके 2,02,2941। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कंट्री वाइज देखें तो आप देखिए US के अंदर ऑलरेडी 2,00,000 का आंकड़ा पार हो रखा है, इटली के अंदर 1,10,000, स्पेन 1,10,000, बट चाइना आपका क्या बोलते पीछे 81 पे। आई डोंट नो इसके नंबर्स भी ऑथेंटिक हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किरण, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आशीष, बिल्कुल ये कहा कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कम इसलिए भी है क्योंकि हमने टेस्टिंग कम करी है। करीबन 50,000 की टेस्टिंग ही हुई है इंडिया में। तो जब ये टेस्टिंग हमारी 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 हो जाएगी तब हमें एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कोरोना का। ठीक है, बट टेस्टिंग हैज टू इंक्रीज, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, अब ये देखिए जर्मनी के अंदर नंबर कितने हुए हैं, 78,000, फ्रांस, ईरान, UK, स्विट्जरलैंड, टर्की, अब बेल्जियम से आगे हो गया है। तो आप ये देख रहे हैं, तो जर्मनी सून विल क्रॉस चाइना, तो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज विल बी सून क्रॉसिंग दी चाइना। तो ये जो चाइना का वायरस आया है, इसने हड़कंप मचाया हुआ है दुनिया में। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, ये आपकी फर्स्ट अप्रैल की नहीं, ये आपकी फर्स्ट अप्रैल की नहीं, सेकेंड अप्रैल की न्यूज है। ठीक है, ठीक है, रिकवर्ड रेट हायर देन फिटलिटी, बिल्कुल सही कहा शिवांगी, रिकवरिंग रेट इज गुड। ठीक है, ये चाइना चोर है, अब क्या ही बोलें चाइना के ऊपर, द इट विल नॉट बी एन अचीवमेंट बिकॉज दे लूज दैट मच लाइफ अचीवमेंट। आई थिंक दीपक वो अचीवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक पर्टिकुलर चीज कह रही है। ठीक है, मेक इट व्हेन दे फाइंड मेडिकल, बिल्कुल बिल्कुल सही, बट चाइना में बहुत लोग रिकवर हो चुके हैं सौरभ। चाइना का एक्चुअली वही है ना दिक्कत, तो यही है ना, पता लग रहा है एग्जैक्ट नंबर्स है कि नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, इस पर हम सौरभ पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं। राइट सर, अभी कल ये 8,00,000, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, कल मैं तुम रोज तो देख रहे थे 8,50,000 पे था, आज 9,54,000 पे पहुंच चुका है, ये 10,00,000 क्रॉस कर जाएगा रात के 12 बजे तक। सर टेस्टिंग हैज टू इंक्रीज अलॉन्ग विद लॉकडाउन, बिल्कुल सही कहा मितेश ने। ठीक है सर, टेस्टिंग ऑफ इंडिया इज नॉट इवन जीरो, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार शशांक, बहुत ही शानदार। ठीक है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से और खासकर हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। ठीक है सर, अब तक फर्स्ट अप्रैल की न्यूज थी क्या सर? नहीं 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 अमित, सेकेंड अप्रैल की न्यूज चल रही थी, वो गलती से फर्स्ट अप्रैल लिखा हुआ था, वो कल की स्लाइड थी, चेंज होनी रह गई थी। सर अब कर लेगा ट्रंप लॉकडाउन ओपन 15 अप्रैल को, सच एन इरेस्पॉन्सिबल लीडर और तालिबान पीस डील, बिल्कुल बिल्कुल किरण, अब क्या ही बोले।
ठीक है, चाइना इज हाइडिंग डेटा, वेरी गुड। यस सर, चाइना में आपके हिसाब से कितनी डेथ हुई होगी? तरुण, मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें तो बता रहा है अराउंड 2 मिलियन, 2 मिलियन लोग चाइना के अंदर, आपके लोग इससे कुछ अफेक्टेड हैं, और इसके अंदर डेथ्स आर इन सम लैक्स, ठीक है, डेथ इसकी लैक्स के अंदर है जो डेटा छुपाया जा रहा है, बट ऑब्वियसली उसको किसी और न्यूज़ चैनल ने ऑथेंटिकेट नहीं करा है, क्योंकि वो न्यूज़ निकलती ही नहीं है, ठीक है। दिस आई मतलब वही आपके जो वीडियोज़ वगैरह में मैंने देखा, जो चाइना से लोग अपने वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह। सर, 14 अप्रैल के बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट ओपन हो रहा है इंडिया में, गुड्डू, आई थिंक लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट, अभी वेट करते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। टुडे ट्रम्प मेड अ स्टेटमेंट सेइंग ही इज नॉट अकाउंटेंट ऑफ चाइना आफ्टर क्वेश्चन आस्क्ड हिम चाइना। अच्छा था मिताई, अच्छा था दीपक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रितु, मुझे खुद भी लग रहा है, कैसी हो, बहुत दिनों बाद देखा मैंने। सर, आई थिंक चाइना इज मैनिपुलेटिंग द डेटा, ठीक है, तो रितु तैयारी सही चल रही है, ठीक है। ज्योत्सना पंडित सर, ये क्लास आपकी रोज होगी यूट्यूब पर? नहीं ज्योत्सना, ये हर दिन नहीं, ये आज हो रही है, कल से ये अनअकैडमी प्लस पर होगी, बीच बीच में मैं हिंदू सेशन लेता रहूंगा, बट कल से ये क्लासेस मेरी जो ऑपरेशन सीडीएस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस पर होंगी, ठीक है। चलो अब न्यूज पे बदलते हैं, आपके काफी सारे कमेंट्स का मैंने आंसर करा, ठीक है। तो भाई सेंटर डिफाइंस जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल रूल, तो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल रूल को फाइनली डिफाइन कर दिया गया है, तो इस बीच कोरोना के बीच में ये न्यूज भी आई है। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन डिफाइनिंग डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली जो उनके आपने देखा होगा वहां पे परमानेंट रेजिडेंट वगैरह वाले रूल्स थे, आर्टिकल 370 और आपका 35 से 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में हटा दिया गया था, और उसके बाद काफी सारी चेंजेस थी। हालांकि अगर ये न्यूज नॉर्मल डेज में आई होती तो फ्रंट पेज के अंदर दुनिया भर के आर्टिकल छपे होते, ये कर दिया वो कर दिया, बट अब कोरोना इतना फैला हुआ है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा एक कॉर्नर में ये न्यूज आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर डोमिसाइल रूल, यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन कि डोमिसाइल क्या होगा, आपने देखा होगा कि आप जो अपने स्टेट्स वगैरह में जब आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना होता है तो डोमिसाइल लेके जाना पड़ता है। आप अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड की के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी वो डोमिसाइल मांगते हैं स्टेट का, आपने देखा है, अगर आप डोमिसाइल मांगते हैं आपसे स्टेट का जिससे आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन में, जैसे अगर आप एमएमपी से हैं तो मांगते हैं, फिर आपको डीएम वगैरह के ऑफिस से उसे निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर द यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन डिफाइनिंग डोमिसाइल्स इन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर प्रोटेक्टिंग जॉब्स इन द ग्रुप डी कैटेगरी एंड एंट्री लेवल नॉन गेजेटेड पोस्ट फॉर डोमिसाइल्स ऑन ऑगस्ट 6 लास्ट। हमारे इसको हटा दिया गया था 370 और 35 को, ठीक है, तो इसको देखते हैं अब क्या कहा गया है। तो न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेक्स द चेंजेस टू पब्लिक सेफ्टी एक्ट बाय रिमूविंग अ क्लॉज दैट प्रोहिबिटेड जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स बुक अंडर द एक्ट टू बी लॉज्ड इन जेल्स आउटसाइड, ठीक है। तो पहले आपका एक क्लॉज हुआ करता था, पहले आपका एक क्लॉज ये हुआ करता था कि जो जम्मू और कश्मीर के रेजिडेंट हैं अगर उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में डाला जाना है, ठीक है, तो जेल में डाला जाना है टू बी लॉज्ड इन जेल्स आउटसाइड, ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अगर वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में पकड़े जाते थे आपके, ठीक, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर करते थे तो बेसिकली उनको जम्मू और कश्मीर के जेल में रखना था। नाउ दिस हैज बीन चेंज पब्लिक सेफ्टी एक्ट बाय रिमूविंग अ क्लॉज दैट द प्रोहिबिटेड जम्मू एंड कश्मीर बुक अंडर द एक्ट टू बी लॉज्ड इन जेल्स आउटसाइड। पहले ये जो था प्रोहिबिटेड थे जे एन के रेजिडेंट्स बुक अंडर द एक्ट टू बी लॉज्ड इन जेल्स आउटसाइड, आउटसाइड पर यानी कि जम्मू और कश्मीर के बाहर नहीं रख सकते थे आपको, उनको वहीं पे रखा जाना था। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो चेंज आया है। नोटिफिकेशन स्क्रैप्स ऑल पेंशन बेनिफिट कार ड्राइवर अकोमोडेशन फोन्स इलेक्ट्रिसिटी मेडिकल फैसिलिटीज एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन टू फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर। तो भाई एक ही झटके के अंदर कितनी सारी चीजें चली गई यहाँ पर, ठीक है, एक ही झटके के अंदर एक ऑर्डर के तहत आपकी नोटिफिकेशन कहती है भाई जितने भी बेनिफिट्स थे आपके, जितने भी बेनिफिट्स थे, पेंशन के बेनिफिट, गाड़ी हो गया आपका, ड्राइवर हो गया, बंगला हो गया, फोन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, तो फॉर्मर जेएनके मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को बोल दिया टाटा बाय बाय, अब नहीं मिलेंगी आपको ये फैसिलिटीज। दिस इज द लेटेस्ट थिंग, ठीक है। द ऑर्डर सेज द डोमिसाइल विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट कैरिंग अ पे स्केल ऑफ नॉट मोर देन लेवल 4, कि डोमिसाइल्स तो अवेलेबल रहेंगे बट लेवल 4, तो ये कौन सा आपका ग्रुप 4 आ गया ना, ग्रुप 4 आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर सेज डोमिसाइल विल बी एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट कैरिंग अ पे स्केल ऑफ मोर देन लेवल
ऑफ नॉट मोर देन लेवल फोर, तो सिर्फ आपके लेवल चार पे, लेवल चार पे आप देखिए बिल्कुल जैसे ग्रुप डी वाले लोग होते हैं आपके, ऑफिस पियोन हो गए, वाटरमैन हो गए, ठीक है, गार्डनर्स हो गए, बार बार द हाइएस्ट आगे द कैटेगरी इज दैट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जहां पर आपका डोमिसाइल रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी न्यूज है, तो जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने जितना भाई पैसा बनाना था बना लिया, ठीक है, उनके ऊपर वैसे ही काफी आरोप लगते रहे हैं, ठीक है, तो मजे वाले दिन थोड़े कम हुए। तो रिजर्वेशन ऑफ डोमिसाइल वुड नॉट अप्लाई टू ग्रुप ए ग्रुप बी लाइक अदर यूटीज, रिक्रूटमेंट वुड बी डन बाय यूपीएससी, ठीक है भाई, अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है आपकी यूपीएससी करेगा, तो यूपीएससी छा चुका है, यहां पर भी आ गया आपका यूपीएससी वापस। तो रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल्स, जो रिजर्वेशन है आपके डोमिसाइल, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ डोमिसाइल वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं आपके, ये इस पर, ये जैसे ग्रुप डी या फिर मैं इनको लेवल फोर बोल रहा हूं, तो लेवल फोर में गार्डनर्स बार बार जो एकदम छोटे स्तर की नौकरी है उस पर अप्लाई करेंगे, बट जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है उसके लिए बैठिए यूपीएससी के पेपर में और यूपीएससी का पेपर निकालिए, मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा अब आपका, ठीक है। तो दिस अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स इन अदर यूटीज एंड स्टेट्स, रिक्रूटमेंट बाय यूपीएससी एक्सपैंड द सर्च फॉर टैलेंट अक्रॉस द कंट्री, और अब सभी बच्चे टैलेंट के लिए ही यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी सीएपीएफ और के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग एफकैट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है टैलेंट के लिए क्या होता है, टैलेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो आप कर ही रहे हो इन लेक्चर्स को देखते हुए, ठीक है। ऑर्डर डिफाइंस अ डोमिसाइल एज द वन, और डोमिसाइल कौन है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, कि मान लिया जाए कल को यूपीएससी क्वेश्चन बना दे कि जो डोमिसाइल में चेंजेस करी गई, डोमिसाइल है क्या जम्मू और कश्मीर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पीरियड ऑफ 15 इयर्स, ठीक है, सो द ऑर्डर डिफाइंस अ डोमिसाइल हु हैज रेजिडेंस ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स इन द यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, और हु हैज स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन in an educational institution located in union territory of Jammu and Kashmir, who is registered as a migrant by relief and rehabilitation commissioner migrants, ठीक है। तो भाई कौन है, किसको बोला जाएगा, जिसने करीबन who order defines domicile, किसको बोला जाएगा, who has resided for a period of 15 years in union territory of Jammu and Kashmir। पहली condition क्या है, कि मान लिया जाए कि अगर आप 15 साल से जम्मू और कश्मीर में, 15 साल से जम्मू और कश्मीर के अंदर रह रहे हो, तो yes आपको domicile। अब second में देखें, या फिर और मतलब या फिर has studied for a period of 7 years and appeared in class 10th and 12th examination in educational कि भाई आपने जो लास्ट 7 साल की अपनी पढ़ाई है और उसके बाद अपनी उसके बाद उसके साथ आपने अपने 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड है वो जम्मू और कश्मीर के ही किसी इंस्टीट्यूशन से दिए हैं, ठीक है। सो 7 इयर्स अपेयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एंड लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। थर्ड क्या है, Who is registered as a migrant, जिसको migrant register कर रखा है relief और rehabilitation commissioner migrants के under, तो ये तीन condition है आपकी। तो एक तो भाई कि आप 15 साल से रह रहे हो, दूसरा आप 7 साल से वहीं पे पढ़ाई कर रहे हो और वहां पर आपने 10वीं और 12वीं के exam जम्मू और कश्मीर के under से दिए, और तीसरा है कि आप migrant registered और relief और rehabilitation commissioner के, तो फिर आपको basically domicile के लिए आप माना जाएगा, ठीक है। तो टू कॉन्स्टिट्यूशनल provisions were withdrawn, आर्टिकल 370 और 35 से ही हमको पता है, जो द लेजिस्लेचर डिसाइडेड द परमानेंट रेजिडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली अब इसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, डोमिसाइल में चेंज लेकर आना था और फाइनली ये रूल आ चुका है, प्रोहिबिटिंग अ नॉन जेएन के रेजिडेंट फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी। तो पहले जब 370 और 35 ए लगे रहते थे तो जम्मू और कश्मीर के जो बाहर के लोग थे वो वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब इसमें चेंजेस लाई गई हैं, और आने वाले सालों के अंदर हम देखेंगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर मैसिव इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी, रिलायंस की, टाटा की, अदानीज की और बिग कंपनीज, आई होप वहां पर जॉब रिक्रूटमेंट अच्छे लेवल पर हो। जो बच्चे इस वक्त स्टोन पेल्टिंग और टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर आए और अपने घर वगैरह को चलाएं, जिनसे उनका घर भी चले और वो इस जो स्टोन पेल्टिंग या फिर आपके टेररिज्म से प्रभावित है वो जल्दी से जल्दी कम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ,
जॉब तो दे दोगे, देशभक्ति कहाँ से दोगे? आई होप आ जाए ये बात छू, पहले कब से कब मिलिटेंसी छूटे, जॉब देशभक्ति तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो एमएचए ने इशू करा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉस ऑर्डर 2020, जिसके तहत इन सारी चीजों में चेंज करे गए हैं। ठीक है, थ्रू विच इट अमेंडेड 109 लॉज एंड रिपील 29 लॉज ऑफ द erstwhile स्टेट इंसर्टेड डोमिसाइल क्लॉज इन द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट अंडर द 2000 एक्ट द क्लॉज फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट का जो भाग हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया है, बेसिकली उसको हटाकर जिस चीज को जोड़ा गया है वो है डोमिसाइल। और डोमिसाइल किस पे लगेगा? आपकी ग्रुप फोर की सर्विसेज पर, जो अपने गार्डनर बार बार, वो भी ग्रुप बी और ग्रुप ए पे नहीं लगने वाला। और जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो उनको दुनिया भर का ऐशो आराम था, वो तो उनके हाथ से निकल ही चुका है। ठीक है, ओके। सो द एक्ट पर्टेन टू द एम्प्लॉयमेंट इन द सिविल सर्विसेज कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एंड स्टेट कैडर पोस्ट। Only permanent residents of Jammu and Kashmir were eligible to apply for gazetted and non-gazetted post. Amendment allows non-domiciles to apply to these posts. Children of central government official, All India Services PSUs, autonomous bodies of center, public sector bankings, official of statutory bodies, central universities, recognized research institutes of center who have served in JNK for a total period of will be domiciles में जिनको माना जाएगा। ठीक है, domicile से reservation अलग चीज है, डोमिसाइल में माना किसे जाएगा वो बात अलग है। ठीक है, तो डोमिसाइल स्टेटस अप्लाइज टू, ये तो हमने कर चुका है, ऑल पोस्ट दैट आर अप टू द रैंक ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड बिलो ओपन टू ओनली टू डोमिसाइल्स। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट एंड बिलो, जो अभी हमने देखी गार्डनर बार बार, ठीक है, जो गार्डन में घास काटने वाला है आपका, बाल काटने वाला है वगैरह। ठीक है, इंटायर नॉन गजेटेड सर्विसेज हैज बीन रिजर्व्ड, ओनली अ फ्यू पोजीशन सच एज पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड डायरेक्टली रिक्रूटेड एट अ हायर लेवल एंड जूनियर असिस्टेंट्स। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर पेंशन एक्ट 1984 में भी अमेंड करा गया है। इट फिक्सेस द पेंशन ऑफ फॉर्मर लेजिस्लेटर एंड काउंसिल को 75,000 रुपए महीने मिलेंगे। तो काफी सारे चेंज लेकर आया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पेंशन में चेंज लेकर आया, डोमिसाइल पॉलिसीज में चेंज लेकर आया जा रहा है। और जो आर्टिकल 35 और 370 के तहत जो परमानेंट रेजिडेंट्स का कंसेप्ट था उसमें चेंज लेकर आया गया है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन गुड थिंग्स इन द कंटेक्स्ट चेंज इन द पीएसए। पीएसए इज बेसिकली पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, इसी के तहत सारी चीजें लेकर आई गई हैं। ठीक है, तो इट चेंजेस द क्राइटेरिया। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का क्या पॉइंट था कि पहले तो जो प्रोहिबिट करा हुआ था कि जो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनको आप जम्मू और कश्मीर के जो बाहर जेल में ले जा सकते थे उस पर प्रोहिबिशन था, तो दैट इज बींग चेंज। ठीक है, तो इट चेंजेस द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग पीएसए एडवाइजरी बोर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इट ऑल्सो बार सिटिंग हाई कोर्ट जजेस टू बी मेड पार्ट ऑफ द बोर्ड। तो भाई इन्होंने बोर्ड्स के अंदर भी चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में क्या चेंज कर रहा है? इट चेंजेस द क्राइटेरिया फॉर, ये जो पीएसए का पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो एडवाइजरी बोर्ड होता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, पहले जो चीफ सेक्रेटरी था इंस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ, पहले जो आपका था जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आप कर दिया चीफ सेक्रेटरी साहब को लेकर आ गए हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी तो वही होगा जिसको आपकी केंद्र सरकार भेजेगी। ठीक है, इट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, सो रिकमेंड्स ऑफ अ सर्च कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, अब चलेंगे आपकी अगली न्यूज की तरफ। इंडिया सीज अ शार्प स्पाइक इन इन्फेक्शंस। ठीक है, तो भाई थोड़ी बहुत तो हमने इस पर ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन इंडिया आर यू नो मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग एंड आई होप दैट इन सम डेज वी आर एबल टू कंट्रोल इट। 15 तारीख को बोला जा रहा है शायद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, बट शायद कुछ कंडीशंस रहे। हालांकि दिस इज मोर इन अ स्पेक्यूलेटिव वे, बिकॉज आज जो प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री साहब की बातचीत हुई है बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से, तो उनमें काफ़ी सारे मुख्यमंत्रियों ने किट्स की डिमांड करी और ये भी पूछा गया कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो उस पर अलग अलग वीडियोज आ रहे थे आपके अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, पर जब तक आपकी PIB या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से न्यूज़ नहीं आती या फिर जब तक प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बोलते तब तक करेक्ट, तब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसके बारे में नहीं आएगी। ठीक है, तो इंडिया रिपोर्टेड थ्री डेथ्स एंड 376 न्यू केसेस ऑन वेंसडे, द हाईएस्ट एवर सिंगल डे इंक्रीज इन COVID-19 टैली। दिस ब्रॉट टोटल कंफर्म्ड केसेस टू 1637 एंड टुक द डेथ टोल टू 38। हालांकि ये नंबर अब पुराना हो चुका है, 1637
तो बेसिकली अगर आप आज रात को 12 बजे तक, जो लग रहा है ये 2000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा, 1950 के आसपास तो ये आंकड़ा चल ही रहा था आपका, तो शाम तक मतलब रात के 12 बजे तक ये आंकड़ा आपका 2000 क्रॉस हो जाएगा, कल के न्यूज़पेपर में आपके आ जाएगा ये, ठीक है। सो कुछ कमेंट्स आई हैं देख लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड के रोड बनवा दो ना फिर वो। अच्छा सर, हर न्यूज़ चैनल और हर जगह कोरोना ही है, सुन के दिमाग ख़राब हो रखा है। कोई ना, तब तक सिक्योरिटी कोर्स देख ले। अच्छा गुड, जिनका CDS है वो सिक्योरिटी को CDS और CAPF, जिनका CDS है वो SSB भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 132% have been cured, discharged from the hospitals after the recovery. Reports from State Health Department put the number of positive cases at 1897 with 1702 active ones. Number of death, तो फिर ये official of ये देखिए, इतने test हुए हैं 47951. USA में पता नहीं अब लाखों में test हो गए। आप में से ही किसी ने comment में लिखा था अभी, I think हिमांशु ने लिखा था किसी student ने कि सर testing बहुत कम हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब इसके आगे ये जो 47 है ना, जब इसके आगे लग जाएगा 6 या 5 5 लाख टेस्टिंग या 6 लाख टेस्टिंग, तब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे। 47,000 इज अ वेरी लो लेवल ऑफ टेस्टिंग। आज ही आपने पढ़ा होगा कि धारावी में एक दो केसेस पाए गए हैं, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरिया है आपके एशिया का, जो मुंबई में है। जैसे अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपको धारावी का स्लम एरिया दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ही कंजेस्टेड सोसाइटी है। अगर वहां पर कोरोना फैल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि माइग्रेंट लेबर के अंदर कोरोना फैल जाए या धारावी में फैल जाए, या फिर जो कंजेस्टेड सोसाइटीज है यहाँ पर, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब है जहां पर छोटी जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। इसीलिए अगर आपने देखी होगी जो तबलीती मरकज है वहां पर भी यही केस हुआ कि कुछ लोग अब्रॉड से आए हुए थे बैठक के लिए, और उसके बाद वो फैला कोरोना। और अब आपको पता ही है कि और कितने 1200 से हमने जो 2000 की जर्नी के आसपास पहुंच रहे हैं, ये 3 से 4 दिन के अंदर ही ट्रैवल कर ली, ठीक है। तो इट इज़ गुड दैट आई एम होपिंग कि माइग्रेंट लेबर्स के अंदर एक कम हुआ हो। अगर माइग्रेंट लेबर्स में भी टेस्टिंग के दौरान ये पाया जाता है तो बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी भारत देश के लिए, ठीक है। ओके, सो 47 हैज बीन कंडक्टेड फार इंक्लूडिंग 861 बाई द प्राइवेट लैबोरेटरीज एंड 126 ICMR लैबोरेटरीज वर इन्वॉल्व, 21486 रिलीफ कैंप्स। ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है जो देखने को मिली है, ठीक है। 21486 रिलीफ कैंप्स हैव बीन सेट अप फॉर 675,133 पर्सन एज बीन शेल्टर, तो अराउंड 6,75,000 मान लेते हैं हम, तो 21,486 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं आपके 675,000 वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इशूड एन एडवाइजरी फॉर प्रॉपर, ठीक है, साइको मेजर फॉर माइग्रेंट्स अंडर दिस। इसके अंदर ये भी हो रहा है, ट्रेंड काउंसलर्स एंड कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स ऑफ ऑल रिलीजियस वुड विजिट। अब इसके अंदर ये हो रहा है, आज आपने देखा होगा बैठक हुई है जिसके अंदर आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो रात के 2 बजे गए थे मौलाना साहब से मिलने के लिए। उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी अलग अलग रिलीजियस लीडर से बात कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को समझाइए, जैसे काफ़ी सारे लोग अभी भी आपके मॉस्क में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अब ये बोला जा रहा है कि भाई अब जब जो आपके हायर पोजीशन में मौलाना साहब हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप घर में रह के पढ़िए। कुछ एक उसमें भी वायरल वीडियोज आते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं आप क्या मॉस्क में आकर पढ़िए, बट उससे आपको पता ही है कोरोना के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं। तो दैट इज वाई रिलीजियस काउंसिलर्स एंड ग्रुप लीडर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, हर एक धर्म के लोग आ रहे हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, धर्म से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और धर्म से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट उनको समझाने की भी ज़रूरत है हमें कि जो खासकर जो आपकी इलिटरेट पॉपुलेशन है या जिनका जो लिटरेसी लेवल है वो लो है, सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, और जो फ़ोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टिकटॉक वीडियोस है जिनको सर्कुलेट करा जा रहा है, जिससे भ्रमित करने की लोगों को कोशिश करी जा रही है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसको भी काउंटर करने के लिए सारी चीज़ें जो आपकी सरकार है वो इख्तियार कर रही है, ठीक है। तो मेजर फॉलोड अ डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू डील विद द ह्यूमेन मैनर
द रेलवेज आर मॉडिफाइंग कोचेस टू अकोमोडेट 80,000 आइसोलेशन बेड्स। तो अगर आप सरकार देखेंगे, सरकार मतलब आप देखते हैं कि न्यूज आती है उसके बाद सरकार, पुलिस, नर्सेज, डॉक्टर्स, एवरी वन इज वर्किंग, यू नो, इवन मतलब हम जर्नलिस्ट को कोसते रहते हैं, बट आज आप देखिए अगर वो जर्नलिस्ट एक हफ्ता काम करना बंद कर दें, अपने घरों में बैठ जाएं, तो आप जरा सोचिए न्यूज डिलीवरेबिलिटी, हम कितने पैनिक के अंदर आ जाएंगे। तो हमारे लिए काफी सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमारा काम बड़ा सिंपल है, घर में बैठना और वो सारी बातें सुनना। उनका काम हमसे ज्यादा टफ है, वो कोरोना के एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सरकारें आपका कोचेस को मॉडिफाई कर रही हैं, इवन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, कितने सारे पैसे आए हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन फाइट कोरोना। 24 कैटेगरीज ऑफ मेडिकल डिसाइजेज वुड बी रेगुलेटेड एज ड्रग्स। अभी 24 कैटेगरीज को मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग्स क्यों बोला गया है? इसको इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि जो आपके केमिस्ट वगैरह है वो इनके प्राइजेस को नहीं बढ़ाएं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिसिशन डिसीजन बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, दिस वुड प्रिवेंट सप्लायर्स फ्रॉम हाइकिंग रेट्स टू मोर देन 10% ऑफ देयर प्राइजेस, ठीक है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी एंड सिद्धा ऑल्सो रिकमेंडेड मेजर फॉर सेल्फ केयर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। अगली आपकी जो न्यूज है, एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल्ड इन लार्ज। तो ये बेसिकली एंटी स्मोक गन्स आपकी की इंस्टॉलमेशन की बात करी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को काफी टाइम से बोला हो गया था, तो ये इस तरीके की कुछ होती है। तो एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल्ड एट 14 लार्ज प्रोजेक्ट साइट्स इन द कैपिटल। यहां पर बस मैं आपको ये न्यूज बेसिकली व्हाट इज एन एंटी स्मोक गन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं आपको, व्हाट इज एन कि एंटी स्मोक गन क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ, क्या ही समझाया जाए कि अगर आप नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो कोरोना नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो ऋषि, ठीक है। मतलब वही है जिससे मतलब जिहाद को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई है। सर ये जो सऊदी अरेबिया से आए थे इनके यहाँ पे मक्का में हिस्ट्री में भी पहली बार ऐसा हुआ कि नमाज घरों में पढ़ी, लोगों ने एक बंदा भी नहीं था मक्का में और ये लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किरण, एग्जैक्टली मक्का पूरा बंद कर दिया गया था विच इज दी सेंटर, पर इनको यहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर, एज यू सेड येस्टरडे दैट सून देयर मे बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल, मैंने बहुत जल्दी आने वाले, अगर ये नहीं माने, पता चला अगर नंबर नहीं रुके नेशनल इमरजेंसी ना लग जाए कंट्री पे, ठीक है। अगर देशभक्ति को धर्म बना ले तो सब अच्छा हो जाए। अरे वाह दीपक, कितनी बड़ी बात बोल दी तुमने, कहाँ से पॉसिबल हो पाता कि देशभक्ति को लोग धर्म बना लेते। प्रॉब्लम क्या है कि पॉसिबल लोग मानने को तैयार हो ना। सो मोर देन 2 months आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी स्मोक गन्स एट ऑल लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स अमंग द अदर लोकेशन टू रिड्यूस डस्ट पोल्यूशन, डिवाइसेज हैव बीन इंस्टॉल्ड एट 14 ऑफ द 47 जगहों पर लगानी थी, 14 जगहों पर लग चुकी है। कुछ इस तरह की होती है ये, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन याद कर लो, एंटी स्मोक गन स्प्रेज nebulized water droplets into the air through high pressure propellers which help dust particles to settle down, ठीक है। तो एंटी स्मोक गन्स क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो आपके सर्दी के टाइम पर काफी स्मॉग हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ये बेसिकली आपकी अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं इस फोटोग्राफ से अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि सर्दी के टाइम पर जब आपका स्मोक होता है, ठीक है, स्मोक होता है, धुआं मिक्स हो जाए सुबह सुबह, तो काफ़ी अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है, और फिर रोड एक्सीडेंट्स वगैरह आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एंटी स्मोक क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, हाई प्रेशर प्रोपेलर है, आपकी बूंद निकला करेंगी और डस्ट पार्टिकल को बिठा देंगी, ठीक है। जैसे अगर आपकी एकदम से बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के बाद क्या हो जाता है, हवा एकदम आपको रोड एकदम साफ हो जाता है और डस्ट आपका बैठ जाता है, बट एकदम से अगर हवा चलने लग जाए फिर से उड़ने लग जाता है, राइट, ठीक है। बियॉन्ड द ब्लेम गेम, तो ये आज का एडिटोरियल है, वी आर डिस्कसिंग एडिटोरियल ऑन डेली बेसिस, तो इसमें ब्लेम गेम है। तो बियॉन्ड द ब्लेम गेम के ऊपर हमें उठ के सोचना चाहिए
ये हिंदू का है तो इसको पढ़ते हैं। तो निजामुद्दीन दिल्ली हैज टर्न्ड आउट टू बी अ लार्ज क्लस्टर ऑफ नोवल कोरोना वायरस सार्स कॉफ टू या कोविड 19 केसेस आफ्टर अ बिग रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन वॉज हेल्ड एट मिड मार्च बाई दी तबलीगी जमात एट दी अलामी मरकज बंगेल वाली मस्जिद। ठीक है, तो तबलीगी जमात के जो लोग थे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, कहाँ पर मिले? अलामी मरकज बंगेल वाली मस्जिद में मिले। और उसके बाद आपको पता ही है, उसके आगे की कहानी आपने सुनी होगी। मोर देन 400 पीपल शोइंग सिम्टम्स हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन दिल्ली अलोन एंड नियरली 240 हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, एटलीस्ट 10 हैव डाइड। और इसके अंदर आपको पता ही है, केजरीवाल को, जो दिल्ली के सीएम है, उनको हार्शली क्रिटिसाइज करा गया है कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मौलाना साहब से रात को 2 बजे बात करने आने वाला, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहाँ सो रहा था। ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट द जॉब ऑफ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आकर ये काम करना पड़ेगा। दिस शुड हैव बीन डन बाय दी सीएम और एटलीस्ट जी जो स्टेट का होम मिनिस्टर है, बट एटलीस्ट दैट वाज नॉट डन। और यही बात आज इंडिया टुडे पे मौलाना साहब ने भी बोली थी कि जो काम एनएसएस साहब ने काम करा, वो केजरीवाल साहब का काम था। स्पेक्टर ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी स्प्रेड बाय अ फ्यू हंड्रेड अटेंडीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कैनॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, that the 3-day event began on a day when the health ministry said, और इसके अंदर आपका जो epidemic act भी लगा हुआ था, जिसके अंदर already बोला गया था कि भाई आ रहे हैं, उन 50 से ज़्यादा लोग आपके मिल नहीं सकते हैं, तो 3,000 या 4,000 लोग आए हुए थे मिलने वाले, उसमें भी international, ठीक है, said that it did not consider the novel coronavirus as a health emergency, despite 81 cases being reported cannot be an excuse, ठीक है, after all WHO had called COVID-19 a pandemic on March 11th को ही बोल दिया गया था। ठीक है, मार्च 11th को WHO पैंडेमिक बोल चुका है, 12-13 मार्च के अंदर आप मिल रहे हैं, तो दिस इज काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो था ही था। और उसके बाद जो लोग मूव कर रहे हैं, और उसके बाद जो राज्य सरकार थी वो तो डेफिनेटली सो ही रही थी। ठीक है, दैट सच एन इवेंट वॉज अकरिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन वेरी मच अवेयर दैट अ सिमिलर कॉन्ग्रीगेशन ऑर्गेनाइज बाय देम इन मलेशिया इन फेब्रुअरी लेड अ स्पाइक इन केसेस देयर एंड द अटेंडीज हैड कैरीड द वायरस टू अदर कंट्रीज। और इसी टाइप का एक जो आपकी तबलीगी जमात की एक मीटिंग पाकिस्तान में भी होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया, तो वो जब आपके मौलाना साहब से आज पूछा गया, तो वो कहते हैं कि भाई वो इसलिए कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि उसके अंदर वो बहुत बड़ी थी और ये तो छोटी मीटिंग थी, इसलिए चल रही थी। भाई बड़ी और छोटी वो रहते, वहाँ पे लाखों में लोग आ रहे थे, यहाँ पे हज़ारों में लोग आ रहे थे। बट यू नीड टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ यू नो करोना वायरस, मतलब ऐसे आंसर सुनकर अब कुछ जवाब भी नहीं रहता, जर्नलिस्ट भी चुप ही हो गया उसके बाद। तो एनीवेज द ऑर्गेनाइजर शुड हैव बीन वेरी मच अवेयर, खासकर मलेशिया का केस, पाकिस्तान का केस कैंसिल हो चुका था कैंसिल। और अगर आप साउथ कोरिया का पढ़ लें, साउथ कोरिया के अंदर भी जो मैक्सिमम स्पाइक आई है आपकी कोरोना वायरस, वो चर्च की वजह से ही आई थी आपके। ठीक है, तो बट द दिल्ली गवर्नमेंट इज इक्वली कल्पेबल एज नथिंग वॉज डन टू स्टॉप सच अ मीटिंग एक्सेप्ट इशूइंग एन ऑर्डर ऑन 13th March प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ मोर देन 200 पीपल। बस ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन नहीं। ठीक है भाई, ऑर्डर निकाल दिया, बट आगे देखेगा कौन भाई। ठीक है, वॉट प्रिवेंटेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम फॉलोइंग द सेंटर्स मार्च 6 एडवाइस टू स्टेट और अवॉइड द पोस्टपोन मास गैदरिंग टिल द पैंडेमिक वॉज कंटेन। तो ये सवाल पढ़ते हैं जो हरी मतलब ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। स्टेट गवर्नमेंट, वॉट प्रिवेंटेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम फॉलोइंग द सेंटर्स मार्च 6 एडवाइस टू स्टेट्स टू अवॉइड और पोस्टपोन मास गैदरिंग द टिल द पैंडेमिक वॉज कंटेन। अब आपकी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एडवाइस दी गई थी कि किसी भी तरीके का मास इवेंट ऑर्गेनाइज ना हो, अगर हो रहा है तो उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो या तो केजरीवाल सरकार सो रही थी या फिर आपके मनीष सिसोदिया साहब सो रहे थे, बट कोई तो डेफिनेटली सो ही रहा था, जिसकी वजह से ये इवेंट अकर करा। अकर करने के बाद ये इनका झुंड बना और ये जो फैले उसके बाद कोरोना के केसेस आपको पता ही है, उसके आगे बताने की क्या जरूरत है। तो देयर हैव बीन सेवरल लार्ज गैदरिंग्स रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस इन द कंट्री आफ्टर इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस बिगनिंग विद। आपका नमस्ते ट्रंप रैली पर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई उसके अंदर भी लोग काफी अब्रॉड से आए थे, क्या होता है उस टाइम पर फैलाओ। टू माइग्रेंट्स गैदरिंग इन अ फ्यू सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, अंटिल द लॉकडाउन बिगेन मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर ओपन एंड पॉलिटिकल इवेंट्स हेल्ड। ठीक है, तो जब जैसे जैसे हम सीरियस लेने लगे, हालांकि हमारी गवर्नमेंट केंद्र लेवल पे बोलूं, वी आर स्टिल बेटर देन दी मेनी अदर कंट्रीज लाइक US और इटली, बट हमें और हम और भी बेटर कर सकते थे। जो लॉकडाउन हमने बेसिकली मार्च एंड में लगाया है, अगर हम इसे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या लास्ट वीक ऑफ फरवरी में लगाते
तो और भी बहुत ज्यादा कंटेन कर पाते हैं हम इसको, ठीक है। दो वी डिड गुड स्टेप्स बट इट कुड हैव बीन मच बेटर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हम सभी को पता है। आप सब मानते हैं कि जो मार्च के एंड में लगा, ये मार्च के फर्स्ट वीक में लग जाता, बट वही है। एक्चुअली WHO ने भी पैंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत देरी करी है। जब उन्होंने पैंडेमिक डिक्लेयर करा तब हमने सीरियसली लेना स्टार्ट करा, ठीक है। मतलब US, इटली वगैरह तो वो भी नहीं ले रहे थे, बट देर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग विद देम कि जिनके यहाँ पर ऑलरेडी इतनी डैमेज हो गई है। अगर हम फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में लेते ये लॉकडाउन वाला, तो बट वही है कि कितना सपोर्ट हमें बाकी लिबरल इंटेलेक्चुअल से मिल पाता या राज्य सरकारों से मिल पाता, क्योंकि दे माइट हैव नॉट बीन, तो इट कुड हैव बीन अ हार्ड डिसीजन। बट एनीवेज ये स्पेकुलेशंस तो आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। सो बट ईच सच इवेंट कुड हैव बीन potentially seeded the virus into the population and should have been therefore been cancelled or prevented. But India failed despite being aware of how global congregation some link to the religion had been to an alarm. ये वही साउथ कोरिया वाली बात करी गई है कि इंडिया को साउथ कोरिया से सीखना चाहिए था कि किस टाइप का कॉन्ग्रीगेशन है। हालांकि हम रिएक्टिव अप्रोच तो हमारी दिख रही है, एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, एक होती है रिएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच होती है जब आपको प्रॉब्लम पता चलती है फिर आप सोल्यूशन ढूंढते हो, प्रोएक्टिव होती है जब आपको पता है ये प्रॉब्लम आने वाली है आप पहले से ही स्टेप उठाते हो, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर तो हमारी थोड़ी अब रिएक्टिव अप्रोच ही रह गई है, ठीक है, खासकर तबलीगी वाली सिचुएशन में। States that already have cases with a link to the Nizamuddin event should now use the lockdown period to actively engage in finding everyone who has attended the event, trace their contacts, quarantine test and treat them without losing time. तो ये I think most of the states इस काम में लग चुके हैं कि उसके अंदर अब वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी लोग तबलीगी जमात के लोग थे और जो इस मीटिंग में दिल्ली के निजामुद्दीन वाली मीटिंग में थी, जहाँ जहाँ पर ये लोग गए और जितने लोगों के साथ ये टच में आए उनका क्वारंटीन टेस्ट वगैरह चालू हो चुका है। जैसे कि आपके जम्मू और कश्मीर का एक रेजिडेंट था जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है, करीबन 300 लोग उनके टच में आए, तो उन सबका क्वारंटाइन और टेस्ट सब कुछ चल चुका है, ठीक है। ओके, सो बोथ साउथ कोरिया एंड सिंगापुर हैव डेमोंस्ट्रेटेड हाउ मेटिकुलस ट्रेसिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऑफ चर्च इवेंट आइसोलेशन एंड एग्रेसिव टेस्टिंग help prevent the highly infectious virus from spreading widely in the community. So ideally, the remaining period of the shutdown should be used to expand the testing to at least limited community level to find. तो वो ये कि जो अब जितना भी मतलब basically मैंने आपको पूरा कल के lectures में भी बोला कि lockdown से आपका corona control नहीं होगा, lockdown से नहीं होगा, lockdown plus testing है पूरा formula कि आपने लोगों को घर में बंद कर रखा है, लोग घर में रह रहे हैं, उसके साथ आपको टेस्टिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपके करीबन इतने लोग घर में, तो 47,000 इसको करीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख टेस्टिंग के आसपास लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल अभय, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मलेशिया में अराउंड इतने ही केसेस आए सर, उनके तो क्या ही कहने की, ही सेड मोदी शुड अपोलोजाइज फॉर लॉकडाउन। क्या ही बोले, मोदी शुड अपोलोजाइज फॉर लॉकडाउन। ये अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे बताओ, जितने भी बच्चे कमेंट करे, मान लिया जाए लॉकडाउन नहीं होता, अभी 2000 का नंबर है, कितना होता तुम्हारे हिसाब से? तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर ये लॉकडाउन नहीं करते मोदी जी तो कितना नंबर पहुंच चुका होता अब तक। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके शशांक, थैंक यू सर। ये कोविड स्प्रेड करने में पाकिस्तान एंड ICB सॉल्व, अरे हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं है इस पर इतना रिसर्च करने का, क्योंकि देश खुद फाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान में कुछ को 20,000, 2 लाख, मिनिमम 4 लाख, 20,000
20 लाख, 10 लाख, 10 हज़ार, 4 लाख, 2 लाख, 50 हज़ार, सर जितने टेस्ट हुए हैं 47,000 सब। शेशांक कह रहा है सर जितने टेस्ट हुए हैं, ये अच्छा था, जितने टेस्ट हुए हैं 47,000 सब पॉजिटिव होते, ये अच्छा था, ठीक है, दैट वाज अ गुड टच, ठीक है, अच्छा बताया तुमने, ठीक है। तो लास्ट थिंग इंडिया कैन अफोर्ड इन द वॉर अगेंस्ट वायरस इज द डिजीज एक्वायरिंग अ रिलीजियस और क्लास कलर। सो ऑब्वियसली नोबडी इज अगेंस्ट मुस्लिम्स और एनीथिंग, बट जिस टाइप के लोग, मतलब देखिए कोई भी गलत करता है, जब योगी आदित्यनाथ जो ऑनरेबल सीएम ऑफ दी उत्तर प्रदेश, जब वो रामनवमी का इंसिडेंट कर रहे, रामनवमी के ऊपर आपका मेला लगाने की बात कर रहे थे, या फिर एक समारोह करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो कनिका कपूर का इंसिडेंट था, ह्यूजली क्रिटिसाइज करा गया उनको, वो इवेंट फाइनली कैंसिल हो गया, और इधर ह्यूजली क्रिटिसाइज करा गया उनको, तो इनको भी क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, वी आर नॉट गिविंग एनी रिलीजियस टोन्स टू इट, बट व्हेन इट इज रॉन्ग इट इज रॉन्ग, ऑल आर पार्ट ऑफ द इंडिया ओनली, राइट। सो कम्युनिटी लीडर हैव बीन रिस्पॉन्सिबल बट द दोज इन गवर्नमेंट हैव बीन लैक्स टू, ठीक है। अगला है आपका DRDO टू मेक 5-layer मास्क, ठीक है। सो लैबोरेटरी अंडर डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड अरेंजमेंट टू मेक 20,000 5-layer मास्क अ डे, मतलब होपफुली डे में बना दे, बिकॉज DRDO के जितने प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको मैंने तेजस का प्रोजेक्ट बताया ही था, तेजस का जो प्रोजेक्ट है 1984 का है, मैं बोलता हूँ ना कि वो मुझसे एक साल बड़ा है, तेजस इज माई बिग ब्रदर, तो 1984 का 2024 में डिलीवर होगा वो, तो 1984, 1994, 2004, 2014, 2024, ठीक है, 10, 10, 10, 40 साल बाद डिलीवर होगा, तो आई होप ये एक दिन कह रहे हैं और से एक साल बाद डिलीवर ना करें, ठीक है। DRDO कह रहा है एक दिन में बनाएंगे, ये ना हो एक साल बाद डिलीवर हो रही हो उसकी, ठीक है। तो लैबोरेटरी अंडर द डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन has made arrangement to make 20,000 layered mask a day and DRDO was also engaged in minor modification of ventilators so that one machine could support 4 patients. तो भाई आपके अच्छे मास्क, हाई क्वालिटी मास्क की बात करें, और एक ऐसे वेंटिलेटर से बोल रहे हैं कि हम वेंटिलेटर्स में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे एक मशीन से आपके चार पेशेंट्स को सपोर्ट करा जा सके, ठीक है। वेंटिलेटर का बेसिक काम होता है, वेंटिलेटर क्या करता है आपका, तो वेंटिलेटर आपका बेसिकली जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सो पाइप डाली जाती है मुंह के अंदर जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पंपिंग करा जाता है, ठीक है। सो एट द रिव्यू मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द 3 service chief एंड द अदर ऑफिशियल टू अप्राइज द मिनिस्टर ऑफ देयर एफर्ट्स अराउंड 50,000 liters ऑफ सैनिटाइजर्स मेड बाय द DRDO लैब्स वर सप्लाइड टू वेरियस सिक्योरिटी एंटिटीज। तो इसके अलावा मतलब ये जो बेसिकली क्या हुआ है, डिफेंस आपको दिखा देता हूँ, ये जो फोटो में आप पीछे यहां पर दिख रहे हैं, ये जो है आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने सब लोगों से बात करी जिसके अंदर आपके आर्मी चीफ्स वगैरह सब थे, ठीक है। तो तीनों आर्मी चीफ्स ने ये भी बताया भाई, उन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स की क्या प्रिपरेशन है, DRDO ने अपने बारे में बताया, तो बेसिकली दिस इज एन अपडेटिंग न्यूज। तो अराउंड 50,000 liters ऑफ सैनिटाइजर्स मेड बाय द DRDO लैब्स वर सप्लाइड टू द वेरियस सिक्योरिटी एंटिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस एंड अनदर 1 lakh डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो करीबन 50,000 liter सैनिटाइजर DRDO ने दिल्ली पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कराए। 5-layer नैनो टेक्नोलॉजी मास्क N99, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, N99, ये सेम चीज UPSC आपसे पूछेगा कि एक 5-layer मास्क, यहां पर N99 की जगह वो लिख देगा 95 और क्वेश्चन बन जाएगा, आपको लगेगा हाँ वही N95 होगा, क्योंकि जो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट है, PPE किट्स की जो बात करी जा रही है, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स जिसको बोलना चाहिए, उसमें यही हो रहा है। इज बीइंग मेड ऑन अ वॉर फुटिंग, अ टोटल ऑफ 10,000 हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड सून पर डे प्रोडक्शन विल बी एक्सटेंडेड टू 20,000। तो DRDO ने काफ़ी अच्छी बातें करी है, आई होप जो डिलीवरी की बात कर रहे हैं वो डिलीवरी बढ़ती जाए, ठीक है। अरे हाँ वही HAL, वो DRDO HAL वही याद आ जाता है, बिल्कुल सही कहा, HAL लिख रहा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो
तो उससे ही मुझे याद आया, डीआरडीओ का तो वो है हाउइट्जर वाले, डीआरडीओ की भी वो सालाना प्रोजेक्ट्स है बहुत पुराने वाले ना, वो 10-20 साल वाले, सही कह रहे हो मानचू तुम, एच ए एल वाला दिमाग से निकल गया था मेरे। हाँ एच ए एल, ओके। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बोला है, सेवरल हॉस्पिटल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू एक्सक्लूसिवली डील विद कोविड 19, मोर देन 9,000 हॉस्पिटल बेड्स वर अवेलेबल, ओवर 1,000 इवैक्यूईज आर क्वारंटाइन्ड वर एट फैसिलिटीज एट जैसलमेर, जोधपुर, चेन्नई, मानेसर, हिंडन एंड मुंबई, देयर क्वारंटाइन पीरियड विल एंड बाय अप्रैल 7, बिसाइड एयर लिफ्टिंग टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज रेगुलर। तो वही है, फौज तो आपकी फौज है भाई, ठीक है, चाहे वो आपकी CAPF की फौज हो या फिर आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये दीज आर फ्रंट एंड फोर्सेस है। इस वक्त भी चाहे आपके लोगों को बाहर से लेकर आना है या फिर राशन प्रोवाइड करना है या बेड्स प्रोवाइड करने हैं आपके, मतलब रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी बुलाए जाने की बात करी जा रही है, दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड। हम एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऐसे आर्मी चीफ मनोज नारावाने साहब ने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर, दैट मोर देन 8,500 डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टार वर अवेलेबल टू एक्सटेंडेड नेसेसरी असिस्टेंस, की अगर 8,500 जो आपके हेल्थ कर्मचारी अगर जरूरत पड़े तो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ऑन प्रोवाइडिंग नेबरहुड कंट्रीज ही सेड कि नेपाल को असिस्टेंस की बात करी गई, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली। नेवल चीफ एडमिरल करमबीर सिंह साहब ने बोला है, नेवल शिप्स वर ऑन अ स्टैंड बाय टू एक्सटेंड एनी असिस्टेंस। रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल जनरल अनूप बैनर्जी, जो डायरेक्टर जनरल है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के आपके, ठीक है, जो बेसिकली जितने भी आपके, जब आप SSB क्लियर करते हो और उसके बाद अपने बोर्ड्स में जाते हो तो ये उसके टॉप मोस्ट एपेक्स हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं कि रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुलाया, वापस बुलाया जा सकता है। तो फौज में आपने सुना ही होगा कि फौज का एक रूल होता है कि जब भी जरूरत पड़े तो पुराने फौजियों को वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 नेशनल कैडेट NCC कैडेट्स आर ऑल्सो बींग मोबिलाइज्ड, ठीक है। तो इंडस्ट्री इज आइज दी मैनुफैक्चर ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स पर मंथ, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से हमारी इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा सपोर्ट करा है, फौज ने अच्छा सपोर्ट करा है, पता है कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, सब आ गए, पूरा 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 इंडस्ट्री सेक्टर आ गया, लो आपका ये फौज आ गई, पुलिस आ गई, नर्सेज आ गए, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग, जिनके लिए एक्चुअल में वॉर लड़ी जा रही है वो ही यहां पर हरकतें दिखा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो यहां पर आपकी इंडस्ट्री एज आइज मैन्युफैक्चर ऑफ द 50,000 वेंटिलेटर्स अ मंथ, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एमिड इज लुकिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 50,000 वेंटिलेटर, और इसके अंदर आपकी मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोला है कि वो इस पर काम करेंगे, ठीक है। सो ह्यूज एफर्ट्स आर बीइंग पुट टू इंक्रीज द मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय द मैन्युफैक्चरर्स, बिग कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल्याणी, टाटा मोटर्स, क्योंकि भाई जब लोग बचेंगे तभी तो आगे चल के कभी बिजनेस और इकोनॉमी होगा, अगर लोग ही नहीं बचे तो कैसी कंपनी और कैसा धंधा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो एम इज टू प्रोड्यूस 50,000 वेंटिलेटर्स पर मंथ बाय मे, ठीक है। देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर वेंटिलेटर्स इन इंडिया एंड अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन देयर अवेलेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज आपकी इसी से है कि जो इतनी भी आपकी कंपनीज है वो इस पर काम कर रही हैं। ओके, एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड कुड फेस अ फूड क्राइसिस, यूनाइटेड नेशन एंड WTO, कि ऑलरेडी कोरोना का प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, ऑलरेडी वी आर फाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कोरोना, बट आगे चल के आपके फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। द हेड्स ऑफ द 3 ग्लोबल एजेंसीज वार्न ऑफ द रिस्क ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड शॉर्टेज इफ अथॉरिटीज फेल टू मैनेज द ऑनगोइंग COVID-19 क्राइसिस प्रॉपरली। Many governments around the world have put their population on lockdown, causing severe slowdowns in the international trade and food supply chains. ठीक है, तो अब क्या हुआ है? इसके अंदर पढ़ें तो many governments around the world have put their population on lockdown, causing severe slowdowns in the international trade. रुक गया है, ठीक है, जो आपका production होता था food का वो रुक गया है, सारी industries रुक चुकी हैं। तो अगर ये continue चलेगा तो क्या होगा, ये जो lockdown चल रहा है इससे क्या होगा, lockdown से आप corona fight कर रहे हैं, बाद में चला corona से तो fight कर लिया, लोग भूखे रह के मर गए, ठीक है। तो पैनिक बाइंग बाय पीपल इनटू द कन्फाइनमेंट हैज ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेटेड द फ्रेजिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन इन सुपरमार्केट शेल्फ्स एम्प्टीड इन मेनी कंट्रीज। जैसे USA के अंदर अगर आप जाएंगे करीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे की वेटिंग लाइन है आपकी,
डेढ़ या दो घंटे की वेटिंग लाइन है आपके सुपरमार्केट में घुस के सामान खरीदने के लिए, इतनी लंबी तो वेटिंग लाइन चल रही है आपकी वहां पर, ठीक है। अनसर्टेनिटी अबाउट फूड अवेलेबिलिटी कैन स्पार्क अ वेव ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन क्रिएटिंग अ शॉर्टेज ऑन द ग्लोबल मार्केट, कि अगर मान लिया जाए कोरोना से फाइट कर भी ली, बट इससे कैसे फाइट करेंगे, ये जो नई प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर आपके फूड शॉर्टेज हो सकता है, तो दिस इज अगेन अ न्यू प्रॉब्लम कमिंग, तो इससे भी लड़ना पड़ेगा अब, ठीक है। सो इन द मिडस्ट ऑफ द कोविड 19 लॉकडाउन एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू इंश्योर ट्रेड फ्लोज एज फ्रीली एज पॉसिबल, स्पेशली फूड शॉर्टेजेस ना हो, क्योंकि अगर फूड शॉर्टेज हो गई तो फिर एक नई प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी, विच वी डेफिनेटली कैनॉट बी एबल टू टैकल। फूड शॉर्टेज के साथ अब सोचिए कोरोना का इश्यू तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। एंड इंडिया वेलकम्स घानी टॉक, ठीक है। तो वेलकमिंग अफगानिस्तान प्रेजिडेंट अशरफ घानी डिसीजन टू फॉर्म अ टीम फॉर इंट्रा अफगानिस्तान नेगोशिएशन दैट विल इंक्लूड द तालिबान। तो बेसिकली यहाँ पर आपके जो राष्ट्रपति हैं आपके अशरफ गानी साहब आपके अफगानिस्तान में, और जो इन टॉक्स की बात हो रही है भारत ने इसके ऊपर अच्छा जैसे दिखाया दैट दीज टॉक्स टीम वेलकम्स, तो अफगानिस्तान प्रेजिडेंट अशरफ गानी डिसीजन टू फॉर्म अ टीम फॉर इंट्रा अफगानिस्तान नेगोशिएशन दैट विल इंक्लूड तालिबान द गवर्नमेंट सेट दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलेशन इन दी कंट्री। एक टाइम पे इन तालिबान वालों से कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, ये मिलिटेंट्स हैं हार्डकोर, बट आज आप देखिए मीटिंग में बैठे हुए हैं और इनसे पीस की बात करी जा रही है जिन्होंने मास मर्डर्स करे हैं। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, आई होप दैट यू एंजॉय टुडे सेशन, ठीक है। और जो आज मैं आपको कल से आपका जो कोर्स है ऑपरेशन सी डी एस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, प्लीज टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। कल से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है CDS के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो रेफरल कोड यूज करें संजय SANJAYTWO Sanjay2, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज दिस कोड फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, वील कैच अप नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय गाइज, ठीक है, टेक केयर।